Assalamualaikum everyone, this is Abdullah Afridi from Gun Master और आज रिव्यू करूंगा माइक्रो कॉम्पैक्ट 9mm सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल का जो कि वेल नाउन ब्रांड सिक्सोर कंपनी का बनाया हुआ पिस्टल है। यह है सिक P365X माइक्रो कॉम्पैक्ट पिस्टल है और ये सब कॉम्पैक्ट पिस्टल से भी छोटा होता है। आप आसानी से इसको अपनी पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। क्वालिटी से लेकर इसकी फिनिशिंग डिज़ाइन काफ़ी आउटस्टैंडिंग, आउट क्लास इसकी डिज़ाइन फिनिशिंग सब कुछ इसकी जो है काफ़ी आउटस्टैंडिंग है। तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि अगर आप छोटा साइज पिस्टल को कैरी करना पसंद करते हैं या आप कंसील कैरी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सिक P365X से अच्छा पिस्टल आपको नहीं मिलेगा। ये सारी डिटेल्स आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा और खास तौर पर इसकी प्राइस टैग के बारे में आपको बताऊंगा कि आपको हमारी कंपनी से किस प्राइस टैग में मिल सकती है। तो वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बिल के आइकन को भी दबाएँ ताकि आने वाले हमारे जितनी भी फायर आर्म्स रिलेटेड वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया, स्टार्ट कर लेते हैं। सिक P365 इस तरह की सिक्सोर की बॉक्स पैकिंग में आती है। सिक का लोगो आपको फ्रंट पे मिल जाएगा, साइड पे आपको इसकी डिटेल और सीरियल नंबर मिल जाएगा बॉक्स के ऊपर। बॉक्स को मैं ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक बुकलेट मिल जाता है, ठीक है। इस बुकलेट में इसकी कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएगी। आप इसको किस तरह खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, सारी डिटेल्स में मैंशन है। दो मैगजीन इसके साथ आती है, ठीक है। स्टील क्वालिटी की मैगजीन है, काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी की मैगजीन है, मेड इन USA यहाँ पे लिखा हुआ है। 10 शॉट की मैगजीन है, दो मैगजीन, ठीक है, दोनों मैगजीन 10 शॉट की है। साइड पे रख लेते हैं। ये इसके साथ एक लॉक है, आप इसको पिस्टल को लॉक कर सकते हैं, मैनुअल से लॉक है, बाकी इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है। तो पिस्टल की तरफ आते हैं, शॉप से निकाल लेते हैं। सबसे पहले ओवरऑल लुक पे बात कर लेते हैं तो इसका जो ओवरऑल लुक है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और परफेक्ट फिनिशिंग में है। काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन भी है। हैंड ग्रिप जो है, इवन माइक्रो कॉम्पैक्ट के बावजूद जो इसका हैंड ग्रिप है वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। इवन मेरे 3 उंगलियां इसमें काफ़ी अच्छी तरह से फिट हो जाती है, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है। मतलब पिस्टल में सबसे ज़्यादा जो अहम होता है वो आपका हैंड ग्रिप होता है, कि जब आपका हैंड ग्रिप जो है वो रिलैक्स नहीं होगा तो मतलब आपका पिस्टल जो है ये आपके लिए नहीं बना, ये आपके हैंड साइज़ के लिए नहीं बना, तो आपका आपको कंफर्ट नहीं होगा तो आप इसको नहीं रख सकते अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। दिस इज़ माय सजेशन, बाकी आप अपने चॉइस पे जा सकते हैं, लेकिन इसकी जो ओवरऑल हैंड ग्रिप है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। आपका हाथ आसानी से इसमें फिट हो जाता है माइक्रो कॉम्पैक्ट पिस्टल के बावजूद। ऊपर स्लाइड पे आपको एक्स, ये P365X और P365 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये बाकी स्लाइड के ऊपर आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्किंग नहीं मिल जाती। यहाँ पे आपको लेज़र या लाइट माउंट करने की जगह भी बनी हुई है और इसका जो ट्रिगर है स्ट्रेट ट्रिगर, ठीक है। इसमें आपको मैनुअल सेफ्टी ऑप्शन नहीं मिलता। सीमी ऑटोमेटिक 9mm कैलिबर का पिस्टल है, आप आसानी से इसको अपने लाइसेंस पे चढ़ा सकते हैं। इस को मैं निकाल देता हूँ क्योंकि ये इसलिए होता है कि कोई इसको लोड ना करे, इस पर स्क्रैचेस फिर आ जाती है, लेकिन आप लोग को मेरा जो प्यार है वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा है। मैं कहता हूँ कि यार चलो आप इसकी पूरी लुक भी देखिए, ठीक है। तो ये देख ले आप सिक्स और इसकी बैरल पे लिखा हुआ है, कोल्ड हैमर फोर्ज बैरल है और ये बैरल जो है काफ़ी हार्ड होती है, तो काफ़ी रिलायबल पिस्टल है, ठीक है। क्वालिटी के लिहाज से ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल पिस्टल है और मैनुअल सेफ्टी ऑप्शन आपको उस पर नहीं मिलता, तो ये मतलब डायरेक्ट रेडी पिस्टल है। ट्रिगर स्ट्राइकर फायर पिस्टल है और रेड डॉट आप देख रहे हैं, थ्री रेड डॉट साइड्स आपको इसमें मिल जाती है। डायमेंशन के ऊपर बात कर लेते हैं तो इसकी कंप्लीट जो ओवरऑल लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो आपको मिल जाती है 6 इंच की इसकी कंप्लीट लेंथ है और चौड़ाई जो है वो आपको मिल जाती है 1.1 इंच यानी 28 मिलीमीटर
और कंप्लीट जो हाइट है यहाँ से, मतलब जो आप देख लें, ये आपको मिल जाती है 4.8 इंच, ठीक है, 122 मिलीमीटर आपको इसकी कंप्लीट हाइट मिल जाती है। और जो बैरल है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो आपको 3.1 इंच की मिल जाती है, यानी 78 मिलीमीटर। और जो वेट है, ठीक है, इस पिस्टल का अपना जो वेट है टोटल 500 ग्राम इसका कंप्लीट वेट है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आप आसानी से बिल्कुल विदाउट एनी टेंशन आप इसको कैरी कर सकते हैं। जब इसमें बुलेट्स भी आ जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा ये इसकी वो जो है वेट जो है 600 तक चला जाएगा, तो कुछ भी नहीं है, आप आसानी से इसको कैरी कर सकते हैं। नीचे जो बॉडी है वो पॉलीमर से बनी हुई है, ऊपर स्लाइड जो है वो ऑब्वियसली स्टील क्वालिटी से बना हुआ है, काफ़ी अच्छा स्टील क्वालिटी। इनकी जो भी प्रोडक्ट है 600 के, ये मिलिट्री ग्रेड की पिस्टल्स बनाते हैं और ये लॉ इन्फोर्समेंट के लिए, मिलिट्री फोर्सेस के लिए पिस्टल्स बनाते हैं, तो इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग और क्लास इसकी क्वालिटी परफॉर्मेंस है। 600 की ब्रांडिंग इसकी ग्रिप पे हुई है, यहाँ पे रिमिंगटन इन यूएसए, और पिस्टल का जो सीरियल नंबर है वो आपको सिर्फ एक ही जगह पे मिल जाता है, ये यहाँ पे बॉडी के ऊपर, ठीक है, बाकी कोई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मार्किंग इस पे नहीं हुई। काफ़ी खूबसूरत पिस्टल है, और अगर आपके पास 9 कैलिबर का लाइसेंस है और आप छोटे साइज के पिस्टल पसंद करते हैं, तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि आप सिक P365X परचेज करें। तो इस माइक्रो कम्पैक्ट सिक P365 की डिटेल्स आपने देख ली है, काफ़ी खूबसूरत और परफेक्ट पिस्टल है। इवन इसका जो हैंड ग्रिप है वो भी काफ़ी अच्छा है, आपका हाथ काफ़ी अच्छी तरह से इसकी हैंड ग्रिप में, इवन माइक्रो कम्पैक्ट के बावजूद भी जो इसकी हैंड ग्रिप है तो आउटस्टैंडिंग। मेरे हाथ जो है अभी भी आप देख सकते हैं, स्टार्ट में वीडियो में मैंने आपको बता दिया है और आप देख सकते हैं हैंड ग्रिप, परफॉर्मेंस, फिनिशिंग सब कुछ जो है इसका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी परफेक्ट है। तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि अगर आप माइक्रो कम्पैक्ट पिस्टल या सब कम्पैक्ट पिस्टल पसंद करते हैं तो आप सिक P365 परचेज कर सकते हैं। इसकी प्राइस टैग के ऊपर आते हैं तो ये आपको हमारी कंपनी से मिलेगा 4,60,000 में, और काफ़ी रिजनेबल प्राइस है क्योंकि ये डायरेक्ट कंपनी से इंपोर्ट नहीं होती, और जो चीज़ कंपनी से डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं होती हम खुद जो है इसके इंपोर्टर हैं, तो ये काफ़ी रिजनेबल प्राइस है इसका। अगर ये कंपनी से डायरेक्ट इंपोर्ट होती तो शायद फिर इसकी कीमत और भी कम होती, लेकिन ये हम यूएस में डीलर से परचेज करते हैं तो इस वजह से प्राइसेस में काफ़ी फ़र्क होता है। तो प्राइसेस जो भी इसका मार्केट में चल रहा होगा अभी तो ये काफ़ी रेयर है, जब ज़्यादा हो जाए तो शायद फिर इसकी कीमत कम भी हो जाए, लेकिन फ़िलहाल इसकी कीमत यही चल रहा है। अगर आपने हमारे साथ सिक P365X के हवाले से या कोई और इम्पोर्टेड फायर आर्म्स के हवाले से कांटेक्ट करना है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप नंबर आपके साथ गिवन है, हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको रिस्पॉन्स करें। तो दैट्स इट, ये थी हमारी आज की वीडियो माइक्रो कम्पैक्ट पिस्टल के हवाले से, इंशाल्लाह हम मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। I'm so happy.